हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बीएसटीसी परीक्षा 2019 जिसकी आंसर की लेकर के आ गया हूँ, किसकी हिंदी की आंसर की लेकर के आ गया हूँ, जिसका ओरिजिनल पेपर है। तो आपको देखना है कि ओरिजिनल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को पता होगा, वैसे तो पूरे 30 प्रश्नों के आंसर मिलने वाले हैं। आपके कितने परसेंट राइट थे ये आपको बता देना है। यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन गलती लगी है तो कमेंट में लिख देना है। पर मैं आपको एक बताता हूँ, एक रीजन में एक क्वेश्चन गलत हो गया था 28 डेज, तो वो उसमें क्या आ जाएगा, 29 दिन आ जाएगा। दोस्तों उसके लिए मेरी बहुत सॉरी, क्योंकि 29 देता उसका बिल्कुल राइट आंसर। तो जो भी गलत होता है तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, तो उसको आपको पता चल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में नीचे भी लिख देता हूं मैंने उस वीडियो में, मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे भी लिख दिया टैग करके उसको। तो चलते पूरी आपको आंसर की बता देते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे पूरे पर्सन है जो कि आपके पेपर में आए हुए थे, तो वो आपको बता देते हैं हम। तो आपका पहला पर्सन था अक्कल के पीछे दौड़ाना मुहारे करते, तो देख सकते इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल केवल कल्पना करना। असक्त असक्त शब्द युग्म का अर्थ है, तो असक्त असक्त शब्द युग्म का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा असमर्थ विरक्त। क्या राइट आंसर हो जाएगा, असक्त समर्थ विरक्त इसका राइट आंसर। 73 नंबर का प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, अविवेक भाव समास। कौन सा, अविवेक भाव समास। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें आपको समास बताना है 174वें नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रमधारय। कौन सा सन्मार्ग में कौन सा हो जाएगा, क्रमधारय समास होगा। अगला 175 नंबर का क्वेश्चन है जो आंखों के सामने हो वाक्य हेतु उचित शब्द, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। उसको क्या बोलते हैं, जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर का, 176 का, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्णकुटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्णकुटी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाँचे खिलना, तो देख सकते हो बाँचे खिलना मुहावरे का अर्थ है, तो बाँचे खिलना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। बाँचे खिलना यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है उपसर्ग, तो देख सकते हो अप उपसर्ग में निम्नलिखित शब्द है, तो देख सकते हो अप उपसर्ग में निम्नलिखित शब्द है, तो कौन सा शब्द हो जाएगा इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा आपका ये देखना है आपको, तो हो जाएगा अपकीर्ति। कौन सा, अपकीर्ति। अगला क्वेश्चन है 179, कांते शब्द में मूल शब्द को और पढ़ते हैं, तो कांते शब्द में मूल शब्द और पढ़ते शब्द आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंती प्लस कुंती और एव। कुंती तो क्या हो जाएगा मूल शब्द, और पढ़ते क्या हो जाएगा ए, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। 180 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो वाक्य कहलाता है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उस वाक्य को आप सभी जानते होंगे अच्छी तरह से, उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा, 181 नंबर का, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो दशानन भी नहीं होगा, चतुरानन भी नहीं होता, त्रिलोचन भी नहीं होता, तो क्या होता है, नवरतन। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नवरतन। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, तो ये नवरत्न हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, क्योंकि बीएसटीसी के और भी जो भी पार्ट बचे हुए जैसे संस्कृत के, इंग्लिश के, और आपके वो एक और कुछ सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो बचे हुए हैं, तो वो आपको मैं पूरी जानकारी के साथ, पूरे आपको सॉल्यूशन के साथ मैं एक्सपीरियंस फैकल्टी से बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेलनर कूदे कूदे तंगी, बेलनर कूदे तंगी तंगी कहावत का अर्थ है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, स्वामी के बल पर नौकर का साहस। तो देख सकते हो बेलनर कूदे कूदे तंगी, तो स्वामी के बल पर नौकर का साहस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 183 नंबर का क्वेश्चन है, तो 183 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, हीनता अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग है, तो हीनता अनादर और पतंग को उड़ाने का क्या है, औ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। 124 नंबर का क्वेश्चन है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है, तो कौन सी हो जाएगी, 184 नंबर में, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 185 नंबर का, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचाने। तो आपको 185 में बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य आपको अशुद्ध है, तो यह बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टंडा बर्फ लाओ। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, टंडा बर्फ लाओ, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 186 नंबर का, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ अर्थ का अर्थ, एक स्थान से दूसरे को हटाना हुआ का अर्थ क्या होगा। तो इसका 186 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्थानांतरित, स्थानांतरित क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका, विमुख, क्या हो जाएगा, विमुख, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। 188 नंबर में इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो सुंदर जो शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, रुचिर भी होता है, चारु होता है और ललित होता है, तो क्या नहीं होता, विशिक, तो विशिक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, विशिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली अली शब्द युगम का अर्थ है, तो अली अली शब्द का युगम क्या हो जाएगा, सखी शत्रु नहीं हो सकता और सखी बोरा नहीं हो सकता, तो क्या होगा ये आपको बताना है, और शत्रु सखी भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बोरा सखी, बोरा सखी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं अपन 188 नंबर में, ये तो कर लिया अपन ने, 198 भी कर लिया। तो अगला क्वेश्चन है अध जल गगरी जलकत जाए कहावत का अर्थ है, अध जल गगरी जलकत जाए कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा, जो आधी गगरी होती है वो जलकती जाती है, आप सभी ने देखा होगा कोई पानी भर के ले जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका कि डींग हांकना। क्या, अध जल गगरी जलकत जाए कहावत का अर्थ है डींग हांकना, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑप्शन नहीं थे, किसी ने वीडियो बता दिया मेरे लिए कि सर ये इसका ये पूछे गए थे ऑप्शन में, तो मैंने इस हिसाब से पहले हिंदी की वीडियो में 4-5 क्वेश्चन बना दिए थे, उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी दोस्तों। तो आपको उसमें चोट लगी होगी दिल में, क्योंकि आपको क्वेश्चन मान लो मैंने करवा दिया और आपके उसमें थे नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं बहुत सॉरी चाहता हूँ उससे। तो आपको जो अभी क्वेश्चन मिल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर मिल के साथ मिल रहे हैं। 191 क्वेश्चन में आपका क्या है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घोड़ा शब्द का कौन सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो ए नहीं है मतंग, यानी कि तुरंग भी होता है, गोटक होता है, हय होता है, तो कौन सा नहीं होता, मतंग नहीं होता, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतंग, तो इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है 192 नंबर का, दिए गए वाक्य में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा मैं आजकल घूमने जाता हूँ, तो ये इसका क्या हो जाएगा वाक्य, शुद्ध वाक्य को छांटिए, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, और सब गलत होंगे, जैसे मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, तो ऐसे गलत है, मीरा भक्ति कवि थी तो ये भी गलत है, कमल सीमा ने रहीम को दी, तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब अटपटा सा लग रहा है बोलने में, तो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो देख सकते हो उनमें से अपने मित्र का, तो इसमें कुछ खरीदा को मिश्र वाक्य परिवर्तन करने का उचित विकल्प होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 क्वेश्चन का, तो क्या होगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो देख सकते हो उसने उस पुस्तक को खरीदा जो उसके मित्र का था, तो ये आपका बिल्कुल सही मिश्र वाक्य में बनाना था। अगला है 193, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है, तो निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है 194 में, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सड़क पर मत भागो, क्या हो जाएगा, सड़क पर मत भागो, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो सभी शब्द कौन से शुद्ध हैं वो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी कि मित्रता माधुर्यता, ये बिल्कुल राइट आंसर है, शब्द शुद्ध शब्द है, तो ये देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है 197, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये किस तरह का वाक्य है, तो ये आपको बताना है, तो ये कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संदेहवाचक वाक्य, तो कौन सा, संदेहवाचक वाक्य। 198 क्वेश्चन है, 198 क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें है अत्युषम, अत्युषम का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्युषम का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
अति प्लस उष्म, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अति प्लस उष्म, इसमें एण संधि है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है खेत रहना मुहावरे का अर्थ है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, खेत रहना मुहावरे का अर्थ होगा आपका क्या, ये आपको बताना है। ए वीर गति पाना, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है वीर गति पाना, क्या होगा वीर गति पाना। 200 नंबर का क्वेश्चन है जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे कहते हैं, तो देखना आपको बताना है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो उसके अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है, उसके कहा जाता है मिश्र वाक्य, तो उसको क्या कहते हैं मिश्र वाक्य, विधेय उदाय वो तो उसमें क्या कहते हैं उसको साधारण वाक्य, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मिश्र वाक्य। तो ये आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि हमें हमने पूरी आंसर की बता दी है, तो आप इस बने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और लास्ट तक आपने वीडियो देखी इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आपके ग्रुप है वहाँ पर आप इसको जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, अगले कोई आपके दूसरे वीडियो के साथ आपको मुलाकात करते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय।